हमें बहुत आला विकेट कीपर विद अच्छी बैटिंग की चाहिए, रिजवान है, सरफराज हैं दोनों, इन दोनों के बाद एक बहुत बड़ी खला आने वाली है मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा था, एक सवाल आपसे करना भूल गया, आप होते चेयरमैन पीसीबी और पाकिस्तान इंडियन टीम जो है वो नहीं आती, 2026, 29 और 31 तीनों साल आईसीसी इवेंट्स इंडिया में, आप क्या फैसला करते? मैं नहीं करता, ये तो गवर्नमेंट का है ना, तो ये मैं गवर्नमेंट पे डाल देता हूँ, अपने ऊपर नहीं डालता। नहीं, आप कुछ डिसीजन, आप गवर्नमेंट बोलती है, आप अपने ऊपर बताइए आप क्या डिसीजन। जैसे अगर जय शाह है या अमित शाह है ये भी बोलते थे ना कि गवर्नमेंट जो बोलेगी, तो मैं अपने ऊपर थोड़ी लूंगा, तो मैं भी गवर्नमेंट पे डाल दूंगा या हुकूमत वक्त जो फैसला करेगी उसके ऊपर ही रहेगा। अच्छा राजीव भाई, विकेट कीपर्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूस किए पाकिस्तान ने, बैटिंग पे बहस हो सकती है लेकिन जहां विकेट कीपिंग की बात आती है तो हर कोई एक्सपर्ट आपका नाम लेता है कि विकेट कीपिंग में राशिद भाई नंबर वन थे। क्या वजह? मोहब्बत है लोगों की। हाँ, क्या वजह है कि उसी दौर में आप खेले लेकिन मुइन भाई आपसे थोड़ा ज्यादा खेल गए, आप थोड़ा कम खेल गए, इसकी कोई खास रीजन है या कोई थोड़ा सा लक मैटर करता है? मेरा दिमाग थोड़ा खराब था। अच्छा। नहीं, मुइन बहुत अच्छा बड़ा प्लेयर पाकिस्तान का गुजरा है, काफी टेस्ट मैच खेले हैं, जितवाए भी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग थे और लकी थे कि हम दोनों एक साथ हम लोग खेले, एक ही शहर से कम्पीट, हमने शहर में नहीं किया, हमने पाकिस्तान में कम्पीट किया, वर्ल्ड क्रिकेट पे कम्पीट किया, वही कंपटीशन हम देखना चाहते हैं जो हमारे झलकती है हमारे इंटरव्यूज़ में या मैचेस के ऊपर तबसरा झलकती है कि अगर मैं और मोइन कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में तो हम बात भी वैसे ही कर रहे हैं, फिर हम लोकल लेवल पर नहीं कर रहे क्लब क्रिकेट पर या कराची लेवल पर बात नहीं हो रही, हम पाकिस्तान लेवल से भी बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों ने मिला के 100 से ऊपर टेस्ट मैचेस खेले और पाकिस्तान को कामयाबी 40-50 में तो हुई होगी ना दोनों को मिला के, तो वो रिफ्लेक्शन आपको नज़र आता होगा। मैं बात करूँ या वकार बात करें या वसीम भाई या इंजमाम यूनुस, इन लोगों का दौर देखा हुआ है, तो मोइन बहुत हार्ड वर्किंग भरे, बहुत ही ज़बरदस्त कुलीग भी, और कभी कंपटीशन डाला नहीं कि वो मेरे अंदर रहा भी नहीं कि मुकाबला मोइन से करना है, एक दोस्त की तरह रहा और आज भी मेरे प्रोफेशनल एक राइवलरी है वो, नहीं कभी मैं रहा, हमारा ये नहीं था कि वो टीम में आ गया अपनी परफॉर्मेंस पे या मैं टीम से बाहर हो गया अपनी परफॉर्मेंस, हमारे परफॉर्मेंस का टक्कर था नहीं, मेरे अपने जो आउटसाइड जो केसेस थे उसकी वजह से मुझे डैमेज बहुत आता हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ जो भी कुछ किया वो मुल्क के लिए ही किया। आउट्स उनके मोइन भाई की बात हुई तो बेटे की भी बात कर लें, कल वो बात कर रहे थे कि ज्यादती हुई है, लॉन्ग रन नहीं मिला उसको, ये पावर हीटर कहाँ से लाए हैं? इफ्तिखार को लंबा रन दे दिया हमने, आसिफ को लंबा रन दे दिया, कॉन्सेप्ट गलत है पावर हीटर का, पावर हीटर का कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब तो क्रिकेट चेंज हो गई, हम लोग उस जमाने में नहीं खेले, अगर मैं मैकल को देखता हूँ या हेड को देखता हूँ उसको तो ज़रूरत नहीं है कि मेरे को 6 नंबर पे मुझे बहुत मारने वाला चाहिए, वो खुद ही कर रहा है, तो क्या हमारे पास ऊपर वाले प्लेयर रहते हैं? डिटेल में डीप बात करें तो अगर हमारे पास क्रिकेट का रुझान जो खेलने का है वो हल्का है, हल्के उसमें खेलते हैं, तो सारा प्रेशर हम 5, 6, 7 नंबर को देते हैं। इफ्तिखार का भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोला टेलेंडर हो, बहुत अच्छा जोक मारा उसने, तो सेम चीज़ आज़म के साथ है, आज़म को भी मशवरा देता हूँ, मोइन को भी मैंने बोला कि डोमेस्टिक खेलेंगे, फर्स्ट क्लास खेले तो प्लेयर बेहतर हो जाएगा, अब उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं T20 का प्लेयर हूँ, तो T20 में फ्लॉप हो गए कहाँ जाओगे, तो फ्लॉप हुआ है वो, ये नहीं माना। या देखें कीपिंग करना पावर हिटिंग के साथ मुश्किल हो जाता है, या तो नंबर आपका ऊपर हो, जितने आप विकेट कीपर उठा के देखें जो वो ऊपर खेल रहे होंगे वो ना ग्लव उतार दो, आपका कंपटीशन आपने ग्लव तो फिर फील्डिंग में आपका उनको फिर ये करना पड़ेगा ना, फिर कहीं ना कहीं तो गलती है, हमने बात कॉम्प्रोमाइज है कहीं ना, हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, तो प्लेयर अच्छा है लेकिन सिस्टम ऐसा बना कि हम हारते ही चले गए, जहाँ पे शाहीन टीम से बाहर हो गया, जहाँ पे बाबर आजम से रन नहीं हो रहे तो वहाँ पे ये नए लड़कों से या जो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन केस है तो ये तो तबाह हो जाएगा। अच्छा राशिद भाई, आपने बड़ी मादी में भी ये जो करप्शन है इस पर बड़ी आवाज़ उठाई, अभी लीग क्रिकेट में भी करप्शन की बड़ी बातें होती हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इसमें, आपका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि ये जो ब्रॉडकास्ट और टीवी का जो 8-9 सेकंड का फ़र्क है या 7-8 सेकंड का फ़र्क है इसको अगर कम कर दें तो फिक्सिंग जो है वो ख़त्म हो सकती है। बड़ा कर 7 सेकंड का 5 सेकंड का होता है ना, वो आप 15 सेकंड से 30 सेकंड लेके चले, उससे क्या होगा मिनिमाइज हो जाएगी ना कि बॉल तो गिर गई, अब मैं देख रहा हूँ तो आप बैठने लगाओगे, तो ये बड़ा फैक्ट है लेकिन करते नहीं है ये, क्यों क्या टिकता के जारी रहे, ये नहीं बोल सकता जारी रहे, क्योंकि होता है कि जो खरीद रहे हैं ना ब्रॉडकास्ट
दो या तीन को बेचता भी है, वो अगर डिले करेगा, दूसरे वाला अगर जल्दी दिखा देगा तो आप क्या कर लोगे? हमारे हुआ है सिस्टम में, वो स्विच के मार देते हैं फोन। हमारे देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है पास्ट में, इसी वजह से ये मैंने बात किसी ने मुझे बताई थी क्योंकि मेरी फील्ड नहीं थी। अभी अभी कनाडा में मैच हुए थे, 3 मिनट के बाद एक बॉल गिर रही थी। लाइव ग्राउंड से 3 मिनट अभी अभी जो, अभी हिस्ट्री का आप निकालें तो अभी कनाडा में जो लीग हुई है उसमें तो बहुत ज़्यादा बात हुई है, बहुत ज़्यादा मैच रुकवा दिया गया था, एंटी करप्शन पहुंच गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं इनके। लेकिन ये है T10 T20 जो डोमेस्टिक लीग है ना, हम उस पर नहीं जाते। नेशनल टीम का कलर, उसको अगर आप गलत कर रहे हैं नेशनल टीम के, तो वो ज्यादा कर रहा है। प्राइवेट में जो आप कर रहे हो हमारा ताल्लुक नहीं है। अगर हम देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है या इंडिया देख रहा है, और आपके प्लेयर मैच तो थ्रो कर रहे हैं, वो ज्यादा। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप उसके अगेंस्ट से जो आमिर वापस आए या नहीं, अगेंस्ट अब तो खोल दिया था ना, मैं देखो ना, मैं जज हूँ ना बोर्ड में हूँ, अब वो आ गए, फिर सबको इजाज़त दो, तो इजाज़त दे दी तो तबाही हो गई। मैं खिलाफ क्यों हूँ लाइव बैन का? क्यों हूँ कि वही लोग को परमिशन मिलती है, वो टीवी पे बैठते हैं, लेजेंड बनते हैं, और वो उसके बाद पूरे बोर्ड को चला रहे होते हैं। अगर उनको भी लाइव बैन होता तो अभी हिलता भी नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट कर लिया, कंट्रोल तो नहीं किया ना, तो नज़र आ रहा होगा आपको, कुछ को नज़र आता है, कुछ आँखें बंद कर लेते हैं, कुछ गुजर जाते हैं। जाते जाते आखिरी सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट आइंदा 4-5 सालों में कहाँ पे देख रहे हैं आप? क्या मजीद डिक्लाइन आएगा या फिर, एक मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक अब तक में एक नाम भी लेता हूँ, नईम भाई थे, तो 2016-17 में जब हम वर्ल्ड T20 से बाहर हुए तो उन्होंने कहा कि अभी ये और आएगा डिक्लाइन। तो मैंने कहा अभी इससे ज़्यादा और क्या होगा, मतलब पहले राउंड से हम बाहर हो गए, अब क्या खेलेंगे ही नहीं क्या, इससे ज़्यादा क्या होगा? उन्होंने कहा अभी और आएगा। उनकी बात मुझे आज तक याद आती है कि यार ये तो आया ही जा रहा है, आया जा रहा है, हम ऊपर क्यों नहीं आ रहे वापस? ये वेस्ट इंडीज श्रीलंका तो नहीं बन जाएंगे हम? नहीं, बन तो चुके हैं, इसमें प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2-3 साल में बहुत बुरा हुआ है क्रिकेट के साथ, इसकी रिफ्लेक्शन आप है। अगर नकवी साहब इसको बेहतर करते करते भी तो 1 साल हो जाएगा ना, चले वो आ गए यार इस तरह सही हो जाएगी, लेकिन उनके बाद जाने का टाइम आ जाएगा। होता क्या है, बंदा जब सीखता है ना तो उनके जाने का टाइम आ जाता है, अब नया बंदा आ जाएगा। हमें स्ट्रक्चर को सही करना है कि जो भी गलत बुरत गलत हो अच्छा हो, जो भी चेयरमैन आए उसको तो मिनिमम 3 इयर्स दिए जाए। जगह साहब आए, गलत कर रहे थे सही कर रहे थे, डिसीजन हुए चले गए, वह रमीज भाई चले गए, सेठी साहब चले गए, मानी साहब ने 3 साल किया, अच्छा दौर रहा, ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा अच्छा दौर रहा। अगर इनको भी 5 साल 4 साल मिल जाते हैं, 1 साल खराब जाएगा टीम का, कहीं ना कहीं तो सीखेंगे वो। जिनको लेके आए शुरू में देखें 2-3 गायब कर दिए ना उन्होंने, तो अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये जितने आए हुए ना ये भी गायब हो जाएंगे, फिर उनको पता चलेगा यार अब मुझे बंदे लेने या क्रिकेट ठीक करनी है। तो अभी ये टीजिंग प्रॉब्लम चलेगी, लेकिन अगर वो भी चले गए और नया आ गया तो डिजास्टर है। बिल्कुल। और आपकी वो पुरानी बात याद, मुझे याद आ गई कि खेलने वाले नहीं खिलाने वालों में मसला है। प्रॉब्लम खेलने वाले का रही नहीं पाकिस्तान में, हमेशा खिलाने वाले का रहा। थैंक यू सो मच राशिद भाई, आपने इतना टाइम दिया और अपने कीमती वक्त से आपने वक्त निकाला, आपसे बात होती रहेगी और उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिली, जैसे दीगर ग्राउंड्स में आपको कामयाबी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। तो उम्मीद करते हैं आपका शो, आज का शो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट शो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।